Mars and Cyprus. Mars in Cyprus. आज हम आए हुए हैं गो कार्ट. आपको दिखाते हैं यहाँ पे गो कार्ट क्या है. ये आप देख सकते हैं पीछे ट्रैक बना हुआ है और इस ट्रैक पे आपके सामने ये कार्ट्स आ रही है, राइट. तो आज हमारा यही प्रोग्राम है कि यहाँ पे कैसे लोग जो हैं एंजॉय करते हैं. मैं भी इसको चलाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने आया हूँ कि ये कैसे काम करती है. अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैक के ऊपर कार्स जा रही है. मार्स इन साइप्रस. पीछे नहीं मुड़ना के बस नुमरा ला रियाज मदन से दिन उनुत मैं सेंट उस यू नंबर 5 सेंट ये दी सेंट ऑन दी उस तंग को मैं अंदर ले रहा हूं. मेरे बात तो कर दे. तो ये आप देख रहे हैं अभी हम आए हुए हैं गो कार्ट में, तो रेस हो रही है अभी ख़त्म नहीं हुई. तो लैप्स हैं जो ये सब दोस्त जो हैं सब ने मिलके किया है प्लान के कौन जीतेगा कौन हारेगा. ये तो हार जीत तो खैर अपनी मर्जी नहीं होती, बंदे की एफर्ट ही होती है, लेकिन ये बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से रेस लगा रहे हैं. काफ़ी लैप्स हो गए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि फुल
स्पीड पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये रेस को जीतने की हर भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लैप्स बाकी रह गए हैं और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन जो है वो कौन से नंबर पे आया है। तो अभी तक तो आप देख सकते हैं बराबर बराबर ही है, मेरे पीछे जा रहे हैं वो देखें बराबर बराबर ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरे साथ ही रहिएगा, देखते हैं कि एंड क्या होता है इसका। ट्रैक पे बहुत खतरनाक बात है कि बिल्ली ट्रैक पे बचा रही है। देखिए क्या बनता है इस बिल्ली का, क्या ये बिल्ली बच जाएगी? मेरे ख्याल से ये बिल्ली सियानी थी और बिल्ली खैरियत से वापस आ गई है और एक बिल्ली बच गई। अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो आके टूर्नामेंट्स करते हैं अपने और काफ़ी ज़्यादा टीम्स बना के आते हैं। एक वक्त में एक ग्रुप जो है वो बुक कर लेता है और उसके बाद उन सब के नाम और नंबर नोट हो जाते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि रेस शुरू होती है। तो ये आप कह रहे हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ है कि वो आते हैं और आके अपनी गेम वगैरह करते हैं और इन्जॉय करते हैं जब वो फारिग होते हैं पढ़ाई वगैरह से और रेसें वगैरह लगाते हैं। अच्छी बात है कि असल में रेस ही लगाते हैं क्योंकि असल में जो रेस लगाना खतरनाक बात है। ऐसी जगह हमारे मुल्क में भी लोग प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को ताकि जो लड़के हैं जो बच्चे बच्चियां हैं जिनको रेसिंग का शौक़ है या जिनको शौक़ है कि वो इस तरह की स्पीड पे गाड़ी वगैरह चलाएं तो वो अपने वालदैन की गाड़ियों का बेड़ा गर्क ना करें और प्रॉपर ट्रैक पे आके गाड़ी चलाएं और इस तरह रेसिंग करें। तो एक अच्छा एक्टिविटी बच्चों को और यंग जनरेशन को मिल सकती है। तो अब मेरा काम तो सजेशन दे रही है लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में बड़े किस्म के बनाए मेरे वहाँ से इस्लामाबाद में है। मैं जब तक लाहौर में था तब मुझे नहीं मालूम पड़ता वहाँ पे, कराची में भी लाजमी होगा। ब्लैक अप हो गया है और इसका मतलब ये है कि अब ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इट्स फिनिश्ड, ओके सो दिस इज इट, द राउंड्स आर फिनिश्ड नाउ। सो दिस इज द टीम, Brakes, are you okay guys? पहला राउंड हो गया है तो पहले राउंड में क्या सीन है, क्या हालात हैं जी? मैं सबसे अच्छा जा रहा हूँ कि मेरा पहला टाइम है, बाकी सब उड़ा रहे हैं। हाँ। अभी मेरी ट्रैक का थोड़ी आदत हो गई है, अगले राउंड में उड़ाऊंगा मैं। चलें, गुड गुड, ओके गुड लक। सो द सेकंड राउंड हैज स्टार्टेड एंड वी सी दैट व्हाट हैपेंस इन द सेकंड राउंड। द गाइस आर गोइंग इन, आई विल शो यू नाउ, दे आर गोइंग इन। First, they are disinfecting. They're disinfecting the steering. So they are following the rules. And now the second round is going to start very soon. Good luck, guys. After second round, we will see that what happens, right? How they go well with this round. इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। अभी तक यानी कि जो रिकॉर्ड आया है उसमें सबके बेस्ट लैप्स जो हैं वो तकरीबन बराबर बराबर ही हैं। बेसिकली देख रहे हैं ये है कि कौन सा बेस्ट लैप सबसे ज़्यादा बेस्ट लैप करता है, क्योंकि अभी ये एक्सपर्ट लेवल नहीं है लेकिन देखना ये कि इनमें सबसे बेस्ट लैप किसका होता है और उसको फिर
इम्प्रूव कैसे करना है इन्होंने आइंदा जब इनकी रेसें होंगी तो। Mars and Cyprus. So guys, how was that? So, देखते हैं जी क्या बनता है, कौन जीतता है। जी रेस खत्म हो गई थी और बड़े अच्छे रिजल्ट है सेकंड राउंड में सबके, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ये उसके बाद हम अभी खाना खाने आ गए हैं यहाँ पे, सिटी सेंटर है लेपकोशा सिटी का, तो यहाँ पे आप मेरे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये लाइट्स बेसिकली पार्किंग के लिए हैं कि ये नीचे हो जाती हैं सुबह के टाइम जब लोगों ने गाड़ियाँ वाला लेके जाना होता है, वरना ये बंद ही रहती हैं, यानी अब ऊपर हुई हुई हैं और जब इनका मूड होगा तो ये सुबह के टाइम नीचे हो जाती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन नीचे अंदर जा सके। तो आज अभी बस डिनर करेंगे और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मार्स इन साइप्रस, एक वक्री टाइप का चैनल फ्रॉम साइप्रस। देख सकते हैं ये कैट फूड है और नीचे पानी और जो स्ट्रीट कैट्स हैं उनके लिए ये लोग रख जाते हैं अल्लाह वास्ते के लिए, क्योंकि जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, अल्लाह खुश होता है। ये दोस्तों